तो हे गाइस नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने दिल्ली के चिड़ियाघर की सेकंड पार्ट के अंदर। पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो में डिटेल्स में जाके आप दोबारा इस वीडियो को पहले पार्ट को देख सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो दिल्ली के चिड़ियाघर के बारे में थोड़ी सी हल्की हल्की जानकारी देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली का जो चिड़ियाघर है इसको जूलॉजी नेशनल पार्क के नाम से दिल्ली में फेमस है। और मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली की जो इस चिड़ियाघर की नींव रखी गई थी लगभग 16वीं शताब्दी के अंदर रखी गई थी, लगभग किले के वक्त के आसपास। तो इसका जो एरिया है, जो टेरिटरी बनती है, जितना कितना साइज है कितना नहीं है, मैं आपको वो करीबन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बताया जाता है कि 176 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। जानवरों की जो संख्या बताई जाती है करीबन 130 प्रजाति के जानवर यहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये दिल्ली के बीचों बीच काफ़ी भीड़ भड़ाके वाले एरिए के अंदर है। यात्रियों के लिए इसके अंदर काफ़ी सारी सुविधाएं चिड़ियाघर की तरफ से दी जाती है। टिकटें यहाँ पर ऑनलाइन मिलती हैं और इसके अलावा जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पर आप पैदल भी घूम सकते हो। इसके अलावा जिसको घूमने में प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, बड़ा छोटा बुज़ुर्ग जो भी है, तो उनके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अवेलेबल है, तो उसकी टिकटें भी अलग से इसकी कट जाती है अंदर जाके। तो चलिए ये थी छोटी मोटी डिटेल चिड़ियाघर के बारे में। वैसे तो बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन ये वीडियो कम पड़ जाएगी तो इसलिए आपको मैंने ब्रीफ कर दिया है डिटेल्स के साथ। तो चलिए अब हम अपने जानवरों के साथ रूबरू होते हैं। ये उसने अच्छा जानवर हाँ जंगल वाला भेद है, हिरन फिरन सब भूल जाता है इंसान। अच्छा आदमी का वो खा गया था वो अच्छा वो जो इसका बाप शेर का ये तो बच्चे होंगे। अच्छा वो जो अटैक किया था इसके बाप ने किया था क्या? हाँ वो दिल्ली में ट्रेंडिंग नहीं हुई थी, वो वायरल नहीं हुई थी वीडियो, वो लड़का यहीं से गिरा था। एक बार बोल दे चश्मा वाला। खाना नहीं, बुढ़ा हो चुका है भाई, खा नहीं सकता वो।
ऊपर आ गया, देखो ऊपर एक ऊपर आ गया, ये आ गया खरगोश, आ गया बाहर एक कुछ नहीं कर रहा स्नेक, खड़े रहे खड़े थे स्नेक, दिख रहे हैं आपको पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं। तो लो भी दोस्तों, ये था अपना चिड़ियाघर का पूरा भ्रमण, और इसमें हम सुबह 12:30 के आसपास एंट्री की थी और 4:30 हो चुके हैं, थक के बुरा हाल हो चुका है। तो ये व्लॉग चिड़ियाघर का आप लोगों को कितना पसंद आया कितना नहीं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और भाई अभी हम कुछ जानवर देख पाए और कुछ जानवर नहीं देख पाए, जिनमें से कुछ जानवर हम देख पाए वो आप लोगों को वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही जानवरों के बारे में जानकारी करते रहते तो शायद हो सकता था ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए, और टाइम का भी थोड़ा सा तगाजा था तो इसलिए वक्त कुछ और कह रहा था। तो अभी के लिए चलते हैं, चलिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।